वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड को हुआ है बेबी, तो उसका है बरह संस्कार। तो बरह संस्कार का प्रोग्राम धर्मशाला में रखा गया है, तो मैं बस वहीं जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं यहीं से वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ। और ये देख लीजिए, मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने पहना है ग्रीन कलर की चंदेरी की साड़ी। तो आप लोग बताइएगा कि ये साड़ी मेरे ऊपर कैसे लगती है। मैं फुल लुक आपको थोड़ी देर से दिखाती हूँ। चाहत को भी कैमरा पकड़ाऊँगी क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं घूमने। तो फिर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी उसके लिए गिफ्ट भी ख़रीदना है, तो अभी मार्केट जाएंगे और उसके बाद फिर जाएंगे धर्मशाला। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आना चलो अच्छे से बैठो चाहत तुम। तो यार ये मेरी पॉलीथीन डिग्गी में डाल देते, ऐसे रखोगे? ऐसे रखोगे? क्या है? वो उसमें साड़ी है पिको फॉल के लिए। भैया मुझे भी दिखा देगा ये कमरा? हाँ वैसे भी बहुत लेट है, हम लोग भी दिखा रहे हैं। छोटे चाहिए बच्चों के, एक पतले में आते हैं और एक थोड़े मोटे में आते हैं। कैसे है देखो कितने चाहिए। तो गाइज यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बेबी के लिए कपड़ा लेने। बट दोपहर के 2 बजे थे, लंच टाइम था, इसलिए सभी शॉप बंद थी, बस एक ये खुली मिल गई थी। बट ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे कपड़ों के, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी किसको लूँ। और छोटे बच्चों के लिए ना जीन्स के कपड़े नहीं अच्छे होते, मुझे लग रहा था सॉफ्ट मिल जाए, बट सॉफ्ट कपड़े ही नहीं मिल पा रहे थे। बस एक किसी तरह कुछ अच्छा मिला भी, तो उसका ना पैंट ही गुम गया था, तो मैं तो बहुत ही परेशान हो रही थी क्या करूँ। क्या हुआ? ले लो ना। समझाया, उसकी पैंट गुम गई। अब क्या करें। सो गाइज हम लोग आए हैं, हमारे बगल में हमारी जो फ्रेंड रहती है उनको हुआ है बेबी, तो हम लोग आए हैं रिसेप्शन में, मतलब बरहो पार्टी में आए हैं। तो ये देख लीजिए खाना लग गया है, मैंने खुद से नहीं लगाया है क्योंकि मेरे को साड़ी पहन करके और फिर कुछ भी करते नहीं बनता है, तो वीर खाना लगा दिया, तो मैं तो बस बैठ गई हूँ थाली ले करके। और ये देख लीजिए खाना को भर लिया, इतना भर लिया मुँह में कि मुँह भी चलाते नहीं बन रहा है। चलिए बैक कैमरे से दिखा देती हूँ खाना क्या क्या है, क्योंकि मैंने तो लगाया नहीं, फिर जो मुझे लगा के दे दिए बस उतना ही मैं खा ले रखी हूँ। मुझे चाहत दो दो थाली पकड़ा के गई है, एक अपनी भी पकड़ा दी और एक मेरी भी है। तो बस सारी सफा खाना भी ऐसे बैठ गया नीचे। उठो तो गाइस देख लीजिए यहाँ पे खाने में है पापड़ पूड़ी और इधर पनीर की सब्जी है, ये शायद दाल है, दाल ही तो है समझ नहीं आ रहा। इधर का भरवा कलौजी है कुछ और गुलाब जामुन है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ में। अब क्या खाओगे आप? पूड़ी। पूरा निकाल दिया। सही है। सो गाइज मैं अभी आ गई हूँ मृगनैनी एम्पोरियम। वीर मुझे साड़ी दिलवाने के लिए लेके आए हैं, तो अभी आगे दीपावली है और फिर नवंबर में है मेरे जेठ जी के लड़के की एंगेजमेंट। शादी तो फरवरी में होना है, बट वीर मुझे बोले कि चलो ले लो। और यहाँ ना बहुत अच्छी अच्छी चंदेरी और महेश्वरी चंदेरी सिल्क की साड़ियाँ मिलती हैं, तो मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ, मृगनैनी एम्पोरियम से ही लेती हूँ हमेशा। तो और ये इस टाइम पर ना ये जो भैया हैं तो ये लेकर आए हुए हैं चंदेरी से, चंदेरी की साड़ियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी थी, तो बेर मुझे बोले कि चलो ले लो। और ये 15 दिन 20 मतलब एक महीना में ये कब आते रहते हैं और यहाँ ना ये सेल लगाते हैं मृगनैनी एम्पोरियम में, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं से ले लेती हूँ। तो अभी थोड़े और न्यू साड़ियाँ मिल जाएंगी।
ये अच्छी लग रही है मम्मी कैमरे पे, और अच्छी लग रही है। मम्मा इसे फाइनल कर लो, ये देखने में अच्छा हाँ, ये मेरे को अच्छी लग रही है। शुक्ला जी को दिखाओ, शुक्ला जी दो उनकी जेब खाली होएगी। शुक्ला जी का मुंह देख लीजिए, मुझे इतनी महंगी महंगी साड़ी खरीदी है फिर भी मुंह में स्माइल है, लेकिन अंदर पे दुखीपन है, जेब खाली होने वाली है। सो गाइस देख लीजिए, ये दो साड़ी चंदेरी सिल्क की शुक्ला जी हमको खरीद दिए हैं, बट फेस पे देख लीजिए अभी भी स्माइल है। इतनी महंगी साड़ी खरीदने के बाद भी कोई माथे पे कोई सिकोड़ नहीं आ रहा है। चंदेरी मेरी फेवरेट है शायद, ये देख लीजिए ग्रीन पहनी हूँ और दो लेके जा रही हूँ। अगर आप लोगों को भी किसी को चाहिए इस तरह की साड़ियाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम फोन नंबर भी देंगे और ऑनलाइन आप तक पहुँचाई भी जाएगी। तो गाइस देखिए बताइएगा कि कैसा लग रहा है, ये बक्सा मैंने आज मंगवाया, बक्सा नहीं दीवान पेटी समझ लीजिए, बक्सा का भी काम करेगा और दीवान पेटी। ये देख लीजिए चार मीटर का करें, तो ये पूरा दीवान जैसा दिखता है। ये देख लीजिए ऐसे लगता है जैसे लकड़ी का हो, ये लकड़ी वाला जो होता है ना दीवान वैसा दिखता है, ये लकड़ी का नहीं है, ये जो पेटी होती है बक्सा ये वैसा है, लेकिन इसका पूरा डिजाइन दिया गया है पूरा दीवान जैसा लकड़ी का। तो ये ना बिल्कुल सोने के लिए भी बहुत अच्छा है, और बिस्तर कपड़े जो है जो रख दे तो ये भी बहुत ही अच्छा लगा इसका डिजाइन। बट यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम हो रही है, ये पूरा खुलता नहीं है इसकी वजह से। तो जो हमसे पहले यहाँ रहते थे ना तो वो इसमें टीवी रखते थे, बट हमको इसकी ज़रूरत नहीं है तो अब मैं इसको तुड़वाऊँगी। अब देखती हूँ ये कैसे टूटेगा, शायद है कि मशीन लाना पड़ेगा या तो फिर देखती हूँ इसको वहाँ पर से खोद के मतलब दीवार को और निकलवाना पड़ेगा। तो जैसा भी होगा तो इसको कल करेंगे, और अभी हम इसमें कुछ सामान भी इसीलिए नहीं भर रहे जब ही इसमें सामान भरेंगे, नहीं तो फिर बार बार इधर उधर खिसकाने में दिक्कत जाएगी। तो बस मैं अभी इसको अच्छे से क्लीन करूँगी कपड़ा लेके। जगह से लॉक हो गई है, एक इधर लॉक है इसका और एक इधर है।